हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ लेकर आया हूँ। आप लोग बार बार कमेंट करते थे, यामाहा MT-15 वर्जन 3 को लेकर कमेंट करते थे कि भाई ये बाइक कब तक इंडियन मार्केट में अपडेट होगी, मतलब वर्जन 3 कब आएगी। आप लोगों का एक ही कहना था। और दोस्तों, आज तक मैंने इस टॉपिक में एक भी वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि यामाहा की तरफ से कोई भी ऑफिशियल न्यूज़ या कोई भी ऑफिशियल वीडियो नहीं थी। लेकिन फाइनली दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यामाहा की तरफ से अब अपडेट आया है इस बाइक को लेकर। तो आज इस वीडियो में आपको मैं यही बताने वाला हूं कि वर्जन 3 में आपको क्या क्या चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, बाइक कब तक आ सकती है, उसके बारे में आपको कंप्लीट आज के इस वीडियो में बताऊंगा। सो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। दोस्तों, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन पर आप तक पहुंचते रह सके एंड आप मेरे वीडियो से अपडेट रह सके। सो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते बात करते अपकमिंग यामाहा MT-15 यानी वर्जन 3 के बारे में। देखिए, आप लोग को पता है कि अभी कुछ दिन पहले ही यामाहा की MT-15 में अपडेट लाया गया है। यामाहा MT-15 जो है वो वर्जन 2 के साथ में आई है, लेकिन देखा जाए तो वर्जन 2 में कोई बहुत ज़्यादा काम नहीं किया गया है। बाइक में आपको USD फोक सस्पेंशन दे दिया गया, बाइक में आपको थोड़ा सा नया कलर ऑप्शन दे दिया गया, उसके अलावा MT-15 में कोई भी काम नहीं किया गया था। अब देखिए, कंपनी भी ना एक बार में ना सारा अपडेट कोशिश करती ना दे, क्योंकि ऑब्वियसली बात है भाई, आने वाले समय में वो धीरे धीरे अपडेट करते रहेंगे और आपको ऐसा फील कराएंगे कि हमने नई बाइक लॉन्च की है, तो एक बार में सारा अपडेट तो वो लोग नहीं देंगे। अब दोस्तों, यहाँ पे बता दूं आप, क्योंकि यामाहा की जो MT-125 यूरोपियन मार्केट में जो आती है, उसमें इन्होंने फाइनली दोस्तों अपडेट लाया है। ऑफिशियल ये वीडियो आप लोग देख पा रहे हैं, इसमें अब आपको MT में नया वाला TFT डिस्प्ले देखने को मिल रहा है। आपको बता दूं, अभी तक वही डिस्प्ले मिलता था जो कि हमारे की MT-15 डिजिटल मीटर, जो हमारे यहाँ की MT-15 में जो डिजिटल मीटर मिलता था, वही 125 वाला मीटर आपको उसमें देखने को मिलता था, मतलब इंटरनेशनल मार्केट वाली में 125 में। लेकिन दोस्तों, अब इन्होंने अपनी तरफ से एक कल ही या परसों के दिन नया ऑफिशियल टीजर आया इनका, जिसमें आप लोग को देखने को मिल रहा है कि बाइक में नया TFT डिस्प्ले आपको देखने को मिला है। अब दोस्तों, आपको बताया कि आजकल जो TFT डिस्प्ले ना, उसका चलन काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। हर एक ब्रांड अपनी बाइक में डिस्प्ले में बहुत काम कर रहा है, मैं देख पा रहा हूँ हर ब्रांड कर रहा है। इवन TVS उन्होंने अपनी राइडर 125 में भी उन्होंने दे दिया, तो ऑब्वियसली बात है भाई, यामाहा भी फिर कहाँ पीछे रहेगा। इसमें आपको नया TFT डिस्प्ले देखने को मिला है, जो कि कलर डिस्प्ले है, लुकिंग वाइज तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और इसमें आपको फीचर काफ़ी सारे देखने को मिलेंगे। लेकिन जो भाई लुक दे रहा है ना ये TFT डिस्प्ले, वो मुझे ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। इसमें दोस्तों, आप लोगों को बताना चाहूँगा, सबसे इंपॉर्टेंट फीचर जो मिसिंग था, इंजन चेक इंडिकेटर, वो भी अब आपको इस बाइक में देखने को मिलेगा। और भी कुछ सेंसर हैं यहाँ पे ऐड किए जाएंगे, हजार्ड का स्विच भी ऐड किया जाएगा। एंड आपको बता दूं दोस्तों कि फिलहाल इसके स्पीडोमीटर में जो फीचर्स देखने को मिले हैं ना भाई, वो मेरे हिसाब से सबसे बेहतर फीचर होने वाले हैं इस सेगमेंट में, क्योंकि इस सेगमेंट में ज़्यादा फीचर नहीं मिलते हैं 150 सेगमेंट में, ठीक है। एंड दोस्तों, आपको बता दूं कि यहाँ पे एक और क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है डुअल चैनल एंटीलॉक ब्रेकिंग सिस्टम को लेकर, जो कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आया था भाई, डुअल चैनल एंटीलॉक ब्रेकिंग सिस्टम का क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं, फिलहाल इसको लेकर मैं ही कहना चाहूँगा कि यहाँ पे कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है, क्योंकि इन्होंने अपनी MT-125 में अपडेट लाया है। ये लोग अगर अपनी MT-15 में अपडेट लाते और वहाँ के MT-15 में डुअल चैनल एंटीलॉक ब्रेकिंग सिस्टम दे देते, तो हम कह सकते थे कि हाँ भैया, अब इंडियन मार्केट वाले में भी डुअल चैनल एंटीलॉक ब्रेकिंग सिस्टम आ जाएगा। बट ऐसा नहीं हुआ है, तो इसके जो चांसेस है वो थोड़े से कम है। अब भैया, मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा, हाँ मैं जानता हूँ भाई, डीमोटिवेट करना या फिर बाइक का अपडेट को लेकर जो सबसे ज़्यादा वेट कर रहे थे हम लोग, वो अपडेट ना लाना गलत चीज़ है। आई एग्री करता हूं मैं इस चीज को, लेकिन भाई वही है, अब जब तक यहां पे आएगी तब तक कह नहीं सकते। बट मुझे उम्मीद है कि भाई यामाहा आज नहीं तो कल इसमें डुअल चैनल एंटीलॉक ब्रेकिंग सिस्टम जरूर देगा। बाकी दोस्तों, आप लोगों को ये नई वाली MT-15 कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताना। एंड आपको बता दूं दोस्तों कि MT-15 नई वाली में फिलहाल तो कोई भी डिजाइन का चेंज नहीं किया गया, इंजन भी आपको सेम मिलेगा। और यामाहा भी अच्छी तरीके से जानता है दोस्तों, डिज़ाइन में अगर चेंज करेंगे तो फिर भैया प्रॉब्लम हो जाती है, लोगों को फिर बाइक चीज़ें पसंद नहीं आने लगती, जैसे हमारे यहाँ की नई वाली RC का हाल आपको पता ही है क्या हाल है। तो यामाहा कंपनी इस चीज़ को अच्छी तरीके से समझती है, तो ये लोग फिर फिलहाल अभी सिर्फ फीचर में काम किए हैं, बाकी आने वाले समय में और अपडेट आपको मिल सकते हैं। बाकी आपको ये नई MT-15 कैसी लगी कमेंट करना। और दोस्तों, कहा जा रहा है कि इस MT-15 को आने वाले 4 से 5 महीने के अंदर इंडियन मार्केट में लॉन्च किया जा सकता है। अब कौन कौन भाई इस बाइक का वेट कर रहा है कमेंट करना। मिलता है दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम।